कोई कोई महसूस कर रहे हैं। वास्तव में तो ये अकेलापन नहीं है, ये आइसोलेट होना या अपने अपने घर में रहना, ये हमें एक बहुत अच्छा चांस मिला है। परंतु फिर भी जब हम स्पिरिचुअलिटी से इतना कनेक्टेड नहीं हो, बहुत ज्यादा भौतिक वाद में, भौतिक चीजों के आधार पे खुश रहने की, एंजॉय करने की आदत पाले हुए होते हैं, तब हमको थोड़ा सा ये परिस्थिति को एक्सेप्ट करने में भी, कर भी कुछ नहीं सकते, लेकिन जैसे हिंदी में कहावत है कि न निगल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति है कि जैसे गले में कोई ऐसी चीज फंस जाती है जो गले से नीचे भी नहीं उतरती और बाहर भी नहीं आती, तो उससे बड़ा कम मन से, बेमन से स्वीकार करना पड़ता है। और एक आशा है, एक होप है अपने अंदर कि सब कुछ ठीक होता जाए, बस जल्दी से ठीक होता जाए। तो ऐसी परिस्थिति में प्रकृति से हमारा जो कनेक्शन है उससे हमें समझना चाहिए। देखिए, हम जब संसार में आए हैं, हमें ये जीवन मिला, जीवन मिला माना ये बॉडी मिली, जन्म मिला, तो ये पांच तत्वों से बना हुआ शरीर हमें मिला। तो सबसे पहले मदर अर्थ, प्रकृति माँ ने हमें ये साधन दिया। बिना इसके आत्मा धरती पर आई, न वो देख पाती, न वो सुन पाती, न वो टच करके कोई एक्सपीरियंस कर पाती। तो पहला पहला अगर इस लाइफ का हमारे ऊपर किसी का एहसान है, उपकार है, तो वो प्रकृति का है। प्रकृति ने हमें पांच तत्वों का ये शरीर दिया, उसमें भी इतने सुंदर हमें हर चीज को करने के लिए ऑर्गन्स मिले हैं। अब जब हम इन ऑर्गन्स के द्वारा अपनी लाइफ को जिए हैं अभी तक, और स्पिरिचुअलिटी के आधार पे हम समझ पाए हैं कि ये भी कोई पहला जन्म नहीं, इसके पहले भी हमने बहुत से जन्म अनेक प्रकृति के आधार पे लिए, और उसके भी जो कर्म है, उसके भी जो अच्छे बुरे इफेक्ट्स है जो मुझ पर है, उसे भी हम लेकर के इस जन्म में आए हैं। तो इस जन्म में मेरे साथ क्या है, तो ये एक ऑर्गन है जो सुंदर सा ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर हमें मिला है। इस मानव शरीर के हर एक जो ऑर्गन है उसमें मैं आत्मा उसे कंट्रोल करती हूँ थ्रू माय ब्रेन, मेरे मस्तिष्क के द्वारा, दिमाग के द्वारा। मैं आत्मा जो इस बॉडी की मालिक हूं, इसको कंट्रोल कर रही हूं, इसको चला रही हूं। और मैंने अपने जीवन में क्या किया, तो मैंने अपने जीवन में बहुत से रिश्ते जोड़े, बहुत सी चीजों का लाभ लिया, टेस्ट लिया, फिर बहुत से लोगों को हमने अपना बनाया, उनका काम किया, उनको सुख दिया, कभी उनके कॉपरेट किया, उनको काम आए हम, और बहुत से धन कमाया, तो भी इस बॉडी से कमाया, मेहनत करके कमाया। फिर हमने जो चीजों का बनाया या दिया लोगों को, तो ये भी इस शरीर के थ्रू दिया। अब कभी-कभी हमें अपने इस शरीर से भी शिकायत बहुत होती है, वी हैव सो मेनी कंप्लेंट्स। जब हम दूसरे को देखते हैं कभी-कभी, तो हमें अपने शरीर से संतुष्टि नहीं होती है। जैसे किसी को अपनी ब्यूटी में थोड़ा सा कमी लगती है, किसी को अपनी स्टैमिना में कमी लगती है, हेल्थ में कमी लगती है, जब हम दूसरे को देखते हैं तो हमें लगता है कि मैं इतना हेल्दी क्यों नहीं हूं, मैं इतना ज्यादा काम क्यों नहीं कर पाती हूँ, मैं इतना दौड़ भाग क्यों नहीं कर पाती हूँ, और मुझे अपने शरीर से थोड़ा सा शिकायत होती है कि मुझे ये शरीर ऐसा क्यों है, मैं भी दूसरों की तरह ये भी कर पाती, वो भी कर पाती, तो ऐसा कई बार फील होता है। लेकिन आप ये देखिए कि प्रकृति माँ ने हमें ये जो शरीर दिया, और इस शरीर का जो शेप है,
इसका जो हेल्थ है वो किसने दी? क्या वो भी प्रकृति ने हमें दी? अगर मेरी शरीर में कोई कमजोरी है तो क्या वो भी प्रकृति ने हमें दी? प्रकृति के पांच जो तत्व है, ये पांच तत्वों से बॉडी जरूर बनता है, लेकिन इस बॉडी की हेल्थ, ब्यूटी, इसका कलर, इसकी जो भी स्टैमिना है, उसका कारण क्या है? मेरे में, आप में, दूसरे में, सब में अलग अलग क्यों है? तो आत्मा जब माँ के गर्भ में बॉडी को स्वीकार करती है, जब प्रवेश करती है, और लगभग 4 to 5 months, 4-5 महीना हम माँ के गर्भ में आत्मा अपनी उस तैयार हो रही बॉडी में रहती है, अब उस वक्त आत्मा के पास क्या होता है? इस जन्म की तो कोई नॉलेज नहीं होती, लेकिन आत्मा की मेमोरी में पास्ट की सभी लाइफ की स्टोरीज, पास्ट के लाइफ के जो भी हमारे कर्म है, उस कर्म का इफेक्ट वो आत्मा लेकर के आई है। तो आत्मा अंदर कभी कभी पश्चाताप कर रही होती है, कभी कभी खुश होती है, तो कभी बहुत दुखी भी होती है। तो उस समय क्या होता है, हमारी बॉडी के एक एक पार्ट्स, एक एक ऑर्गन का कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है। माँ के गर्भ में बॉडी को तब शेप मिलता है जब आत्मा प्रवेश करती है। पहले तो सिर्फ एक पिंड है, लेकिन उसमें जब आत्मा आती है तो उसके हाथ पांव, उसका फेस कटिंग, ये सब तैयार होता है। तो उस वक्त मैं आत्मा जैसा उस बॉडी में प्रवेश करने के बाद फील कर रही थी, वो फीलिंग के आधार पे मेरी बॉडी तैयार होती है। इसीलिए मदर्स को जो प्रेग्नेंट होती है उनको लौकिक में भी कहा जाता है कि आप खुश रहो, आप अच्छा सोचो, आप ठीक खान पान खाओ, आप कोई टेंशन मत लो, आप गुस्सा मत करो, आप रो नहीं, आप दुखी मत हो, क्योंकि आपकी बॉडी में जो आपका बच्चा शेप ले रहा है, ग्रोथ कर रहा है, उस पर उसका इफेक्ट आएगा। तो उस समय माँ के संकल्पों का भी असर पड़ता है हमारे ऊपर, माँ की जो मूवमेंट है उसका भी असर पड़ता है। लेकिन जो माँ के रूप में मुझे मिली, मेरी मदर लौकिक, वो भी किस आधार पे मिली? वही मेरी माँ कैसे बनी? तो उस आत्मा के साथ भी मेरा पिछला कोई ना कोई सुख का लेन देन, दुख का लेन देन, कर्म का लेन देन रहा। तो उसी के गर्भ में मैंने प्रवेश किया, तो ये भी मेरा ही वजह थी। ऐसा नहीं कि अगर मुझे लगता है कि मेरी माँ का कलर थोड़ा ब्लैक था इसलिए मुझे भी ब्लैक कलर की बॉडी मिली। बहुत बार हमारे पास यंगस्टर्स आते हैं तो यंगस्टर्स को ऐसी छोटी छोटी बातों का भी बड़ा चिंतन होता है कि मेरी मदर ऐसी थी तो मेरी भी बॉडी में ये आ गया, वो वीक थी तो मैं भी वीक हो गया, तो मेरे को ये कंप्लेन है। परंतु ऐसा नहीं है, वही माँ मुझे क्यों मिली, वही फादर मुझे क्यों मिले, क्योंकि उन्हीं के साथ मैंने पास्ट लाइफ में किसी ना किसी जन्म में मेरा कोई कर्म का हिसाब जुड़ा था। तो फर्स्ट तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये जो बॉडी है ये मैंने ही बनाई है, प्रकृति ने मुझे पांच एलिमेंट्स दिए, लेकिन उसके बाद उसको यूज करके मैंने इस बॉडी को बनाया है, ये मुझे एक्सेप्ट करना है सबसे पहले। तब हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे और इस बॉडी को चलाने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए, रिकवर करने के लिए, उसे हेल्दी रखने के लिए भी हम राइट वे में कोशिश करेंगे। क्योंकि इंसान की एक फितरत है कि वो हर चीज के लिए दूसरे को ब्लेम जल्दी कर देता है ना? ये एक बहुत इजी वे है
कि जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं किसी न किसी के ऊपर उसका ब्लेम करती हूँ। मेरे यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है, मेरे घर में खान पान ऐसा है, बचपन में मेरे को कुछ मिला ही नहीं, न्यूट्रिशंस नहीं मिला मुझे फूड में, मुझे ये नहीं मिला, कहीं ना कहीं हम ब्लेम कर देते। लेकिन मुझे एक्सेप्ट करना है कि मेरी इस बॉडी का जो कलर है, जो शेप है, जो हेल्थ है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। मैंने ही अपनी इस बॉडी को तैयार किया है। हाँ, माँ के थॉट्स, माँ की भावनाएं भी मुझे मिली होगी, घर के वातावरण का भी बल मिला होगा, परंतु सबसे ज्यादा मेरी बॉडी मेरे थॉट्स से बनी है। जैसा मैंने सोचा, जैसा मैंने फील किया, वैसे वैसे मेरी बॉडी बनती गई है। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करना है। मुझे याद है माउंट आबू में ज्ञान सरोवर एकेडमी में मेडिकल विंग की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यूएस से डॉक्टर दीपक चोपड़ा आए थे, आप लोग जानते भी होंगे शायद, ही इज एन मोटिवेशनल स्पीकर और आज भी बहुत अच्छी चीजों को वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो उन्होंने काफी महंगा उनका लेक्चर्स वगैरह होता था उन दिनों में भी, ये तो बहुत सालों पहले की बात है जब मैं वहां पर थी, और उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था, मैं उसको कॉट करना चाहती हूँ। तो उन्होंने दो बातें बोली थी। एक तो उन्होंने ये कहा था कि जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स है, आजकल मेडिकल साइंस के हिसाब से बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है और बहुत से पार्ट्स लैब में बनने लगे हैं, फिर भी अगर धीरे धीरे सारी बॉडी के सारे पार्ट्स भी अगर साइंटिस्ट बना लेंगे, तो उनके हिसाब से उन्होंने बताया था कि सारी बॉडी का सब कुछ अगर लैब में बनेगा, बना तो नहीं है सब कुछ अभी तक भी, लेकिन अगर बना तो उन्होंने एक एसेसमेंट बताया था कि लगभग 200 करोड़ रुपया लगेगा एक बॉडी को फुल्ली अगर लैब में बनाया गया तो 200 करोड़ रुपया लग जाएगा, पर बन सकती है। तो अब इसका मतलब सबसे पहले तो मुझे अपनी इस बॉडी को क्या मानना चाहिए कि मुझे 200 करोड़ की एक गाड़ी मिली है, तो मुझे इस 200 करोड़ की गाड़ी को कितना अच्छा संभालना चाहिए, कितना प्यार करना चाहिए, कितना उसको इसकी हर चीज जैसी होनी चाहिए वैसे मुझे रखनी चाहिए। जैसे पेट्रोल की गाड़ी में हम डीजल डाल देंगे, कैरोसिन डाल देंगे, तो गड़बड़ तो होने ही वाली है ना। तो मुझे इतनी मेरी प्रेशियस, इतनी कॉस्टली मेरी ये गाड़ी है, आत्मा ड्राइवर है, तो मुझे इसको कितना प्यार करना है, कितना संभालना है, कितनी वैल्यू करनी है। हम बहुत से लोगों की लाइफ में देखते हैं कि वो जीवन में शरीर की भी वैल्यू नहीं रखते हैं, वो शरीर को किसी भी तरह से कुछ भी अंदर डालते हैं, किसी भी टाइम सोते हैं, किसी भी टाइम जागते हैं, कितना भी बॉडी को खींचते हैं और कितनी भी गंदी चीजों को भी वो बॉडी को पर ले लेते हैं, डाल देते हैं। तो हमें कीमत होनी चाहिए कि ये बॉडी क्या मांगती है, पहली बात। दूसरा, उन्होंने बहुत अच्छी बात ये बोली थी जो मैं आज आपको इस क्लास में जरूर कहूंगी कि हमारा जो शरीर है ये हर 6 to 8 months में लगभग पूरा नया बन जाता है, क्योंकि हम डेली जो श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, भोजन लेते हैं, कचरा निकालते हैं, पानी पीते हैं, वेस्ट वाटर निकालते हैं, तो ये जो चीजें रोटेशन में चल रही है, इस रोटेशन के होते होते लगभग 6 से 8 महीने के अंदर लगभग हमारी बॉडी के सारे सेल्स नए बन जाते हैं, पुराने सेल्स खत्म हो जाते हैं। यानी कि अगर मुझे 6 महीने पहले, 1 साल पहले कोई बीमारी शरीर में आ गई थी, मान लीजिए, या मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे कोई बोन इंजरी हुई थी या और कोई मेजर इंजरी हुई थी, तो भी उसके बाद के 6 या 8 मंथ के अंदर
मैंने जो खाया, मैंने जो श्वास लिया, मैंने जो पानी लिया, उससे वो सारे सेल्स चेंज हो गए और नए बन गए। तो हर 6 से 8 महीने में मेरी बॉडी तो बिल्कुल मुझे नई मिल जाती है। ये कुदरत का, प्रकृति का बहुत बड़ा वरदान है हम सबके लिए। तो हर 6 महीने में बॉडी तो नई मिल गई, लेकिन यहां मैंने क्या सोचना चालू किया कि मैं पहले जवान थी, अभी बूढ़ी हो गई हूं। पहले मैं हेल्दी थी, लेकिन अभी लास्ट टाइम मेरा ऑपरेशन हो गया तो मैं ऐसी हो गई हूं। अभी तो मेरा बॉडी पहले जैसा तो है नहीं। ये सब कौन सोच रहा है? मन सोच रहा है, मैं आत्मा सोच रही हूं, लेकिन बॉडी क्या कहती है कि मैं तो नई हूं। तो उस नई वाली बॉडी में भी हम मन से क्या डाल देते हैं? नहीं नहीं तुम पहले जैसी नहीं हो, तुम अभी कमजोर हो, नहीं नहीं तुम तो बीमार हो गए हो, अब तुम पहले वाला काम नहीं कर सकते हो। ये हम यहां से इसके अंदर डालते हैं, जबकि बॉडी तो फ्रेश मिल गई है। तो ये एक बहुत गहरी बात है। इस पर अगर आप सोचेंगे तो आप पाएंगे कि जो पहले के ऋषि मुनि भारत में कहते हैं, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि थे जो 150 साल तक जीवित रहते थे, कोई कोई 200 साल तक जीवित रहते थे। वो क्या करते थे? दो ही काम करते थे, एक तो प्रकृति के बहुत नजदीक रहते थे और दूसरा कि वो तपस्या करते थे। तो वो जवान भी रहते थे, वो कभी बीमार भी नहीं पड़ते थे, और जब वो शरीर छोड़ते थे तो भी वो पहले से कहते थे कि मैं अब जाना चाहता हूं और मैं इस टाइम पर चला जाऊंगा, और एग्जैक्टली उसी टाइम पर वो शरीर को छोड़ देते थे। तो ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। तो हमने जब से अपने मन पर अपनी एज को हावी होने दिया, तब से हम बूढ़े होने लगे। जब से हमने अपने थॉट्स में गड़बड़ किया, लाइफस्टाइल भी हमारी चेंज हो गई। थॉट्स में जितनी नेगेटिविटी आई, उतना बॉडी के एक एक ऑर्गन को हमने खुद ही कमजोर किया, डैमेज किया। तो इस बॉडी का, प्रकृति से मिले हुए इस परमात्मा के वरदान रूपी शरीर का अगर कोई मित्र है तो भी हम खुद है, और अगर कोई दुश्मन है तो भी हम खुद है। ये पहले हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और इस शरीर से हमें बहुत प्यार करना है। प्यार करने का मतलब ये नहीं है, एक माँ बच्चे को ऐसा प्यार करती है कि उसको गोद में उठा उठा के चलती है और वो बच्चा परमानेंटली चलना नहीं सीखता है, वो हैंडीकैप हो जाता है, वो कमजोर ही रह जाता है। ये प्यार नहीं हुआ, ये आपने उसका नुकसान किया। लेकिन एक माँ अपने बेटे को ऐसे प्यार करती है कि वो उसको बचपन से ही स्विमिंग सिखाती है, दौड़ना सिखाती है, खाना सिखाती है, पूरा हार्ड वर्क करना सिखाती है। वो बच्चा कभी कभी परेशान हो जाता है, लेकिन वो उसको जानती है कि इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी है, इसलिए उसको बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग देती है। तो कौन सी माँ अच्छी है? हम सब जानते हैं कि गोदी में उठा के चलने वाली माँ तो अच्छी नहीं है, जो उसको स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग देती है वही माँ अच्छी है। तो मैंने भी अपनी इस बॉडी को प्यार करना है, लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं है कि मुझे उसको बिठा के रखना है, हार्डवर्क नहीं करना है, और उसको जो मांगे, जो दुनिया में दिखाई दे वो सब खाना है, सब डालना है, जहां मन मर्जी जितना घूमना है उसको घुमाना है। नहीं, ये प्यार नहीं है। ये हम क्या करते हैं? अपने साथ ही हम बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। तो आज की दुनिया में अगर हमें सुखी होकर जीना है, हेल्दी होकर जीना है, तो दो ही काम करना है। एक, सिंपल लाइफस्टाइल अपनानी होगी, जो हमें ईश्वरीय ज्ञान में, स्पिरिचुअलिटी में भी सिखाया जाता है, और दूसरा, हमारी थॉट प्रोसेस को बहुत पावरफुल, बहुत पॉजिटिव, पर्पसफुल,
बनाना होगा। बस यही एक आधार है जिससे आप हेल्दी रहेंगे। और जब तक हम जिएंगे, ये शरीर हमें बहुत साथ देगा, बहुत मददगार हमारा बन जाएगा। तो अब हम इसके ऊपर क्या करें? चलिए, अभी तक हमारा ध्यान नहीं था, बॉडी में कुछ कमजोरी भी आ गई, कुछ ऑर्गन्स थोड़े वीक हो गए हैं, कुछ बीमारियां भी आ गई है, और ये सब हमको लग रहा है कि अब ठीक करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ठीक करना भी हमारे हाथ में है, इस बॉडी के डॉक्टर भी हमें ही बनना है। तो अब क्या करें? तो थॉट प्रोसेस को हम परमात्मा से शक्ति लेकर चार्ज करके खुद को और इस बॉडी को हील करेंगे। इस बॉडी की हीलिंग हमको खुद करनी है। तो आइए हम सभी इतना सुंदर एक अभ्यास करेंगे जिसमें आपको इस शरीर को बिल्कुल न्यारा होके देखना है कि आपके सामने एक पेशेंट है, आपके सामने आप किसी को देख रहे हैं। तो आप इस तरह से खुद को अलग हो करके बॉडी को देख रहे हो। मैं अलग हूं, मेरी बॉडी यहां है और मैं जैसे उसे देख रही हूं। पहले हम ये अभ्यास करेंगे और उसके बाद में मैं यहां पर एक पावरफुल बीइंग हूं, चेतन शक्ति हूं, और मुझे यहां परमात्मा की किरणों को अपने शुभ संकल्पों की शक्ति को पहले यहां प्राप्त करना है, जमा करना है, और फिर इसे पूरे शरीर को, एक एक ऑर्गन को पहुंचाना है। बिल्कुल सिंपल है और हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। और प्लीज इस अभ्यास को एक दिन में तो हम केवल डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, सीखेंगे, लेकिन आप कंटिन्यू 3-4 सप्ताह तक करें और कुछ चीजें तो डेली करें, तो आपकी हीलिंग चालू रहेगी, ये गारंटी है। तो हमको सबसे पहले स्ट्रेट, जहां भी हम बैठे हैं, अच्छे से सीधे होके बैठे और मेडिटेशन प्रैक्टिस में हम अच्छी तरह से अभ्यास में गहराई में जाएंगे। लाइट म्यूजिक के साथ आपको केवल सुनना है और उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करते जाना है। ओम शांति। आप दीदी ने जो बताया है उस पे फोकस करें, आप लिखेंगे नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए तो मिल जाएगी, और आप हमें टेक्स्ट में लिखा है कि कौन से नंबर पे आपको टेक्स्ट करना है। आराम से, शांति से ना लिखे, एंजॉय करे, एक्सपीरियंस करे, तो आपको उसका फायदा अभी पता चलेगा। ओम शांति। ओम शांति का मीनिंग है कि मैं बहुत शांति से भरपूर एक ऐसी शक्ति हूं जो इस धरती पर अपनी शक्ति को, अपनी कला को इस शरीर के माध्यम से व्यक्त करने, इस सृष्टि के विशाल नाटक में, ड्रामा में अपना परफॉर्मेंस करने में आई हूं। मुझे ये कॉस्ट्यूम मिला है, मेरा बॉडी मेरा कॉस्ट्यूम है, ये मेरा व्हीकल भी है। इस व्हीकल के द्वारा मैंने इस सृष्टि पर बहुत सारे प्लेसेस देखे, बहुत सारी जर्नी की, बहुत कुछ टेस्ट किया,
बहुत कुछ आंखों से देखा, बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने कानों से सुनी, स्टडी किया, ज्ञान लिया, साइंस को पढ़ा, संबंध जोड़े, कितने लोगों से मेरा स्नेह जुटा, कितने मेरे संबंधी बने, मेरे मित्र बने, मैंने जॉब किया, तो ये सब कुछ इस शरीर के द्वारा संभव हुआ। तो सबसे पहले मैं इस शरीर को बहुत बहुत थैंक्स करती हूं। मेरे इस बॉडी को मुझे बहुत बहुत अप्रिशिएट करना है। अगर मुझे शक्ति के पास, आत्मा के पास ऐसा अच्छा बॉडी नहीं होता तो मैं क्या कर सकती थी? तो मुझे अपने इस शरीर से बहुत प्यार है। अब इस शरीर को देने वाली माता पिता को भी हमें बहुत बहुत थैंक्स करना है। कितने कष्ट से मदर ने, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, कितना बचपन में कितनी चीजों को सिखाया। तो मैं आत्मा अपने पेरेंट्स का भी बहुत बहुत थैंक्स करती हूं। अपना ग्रेटिट्यूड उनके प्रति प्रेजेंट करती हूं। थैंक यू सो मच, आपने हमें हेल्थ दी, सुंदर से ग्रोथ करने की आपके प्रयासों से मेरा जीवन शुरू हुआ। अभी मैं और डीप में जाती हूं। मेरा ये शरीर आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी, इन पांच तत्वों से बना है। तो इन पांचों तत्वों को भी मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूं। इस शरीर में अगर इन पांचों तत्वों का साथ बैलेंस नहीं होता तो मैं कैसे हेल्दी रह सकती थी? तो मैं एक एक करके इन पांचों तत्वों को भी थैंक्स करूं। हे धरती माता, तुम्हारी गोद में खेलते, तुम्हारे मिट्टी में पलते मैंने कितना सुख पाया है। तुम कितना सहन करती हो
हम सभी का बोझ उठाती हो, तो धरती माँ को सल्यूट करेंगे। सलाम है और धरती की तरह हम भी धीरज और सहन शक्ति को अपने जीवन में अपनाने का भी संकल्प करेंगे। जल तत्व को सामने लाके देखें, किसी समुद्र के बीच पर खड़े होने का अनुभव करें, अथाह पानी लहरें उछल रही है, जल को कितना अच्छा वरदान है कि वो बहता है, वो शीतलता देता है। मेरा यह शरीर इस जल से 70% जितना बना हुआ है, तो मैं सारी दुनिया में जल के जितने भी स्रोत हैं, पानी के सभी स्रोत को धन्यवाद करती हूं, एप्रिशिएट करती हूं। जब जब भी मैं जल ग्रहण करूं, तब भी उसी भावना से अपने अंदर डालूंगी कि ये जल मेरा जीवन रक्षक है। बड़े प्यार से स्वीकार करूंगी। अग्नि तत्व को देखें, अग्नि की ऊर्जा के बिना मेरे शरीर में आया हुआ अन्न का एक कण भी डाइजेस्ट नहीं हो सकता था। धरती पर भी उगा हुआ कोई भी अन्न अग्नि के बिना पक नहीं सकता है, तो अग्नि तत्व को भी बहुत बहुत थैंक्स करेंगे। आकाश तत्व को जो मेरे आस पास चारों तरफ फैला हुआ है, इस स्पेस में मुझे कभी भी कोई व्यर्थ विचारों को किसी भी प्रकार के गलत शब्दों को ऊंची आवाज में बोले हुए शब्दों को नहीं फैलाना है। मैं इस स्पेस में जो मुझे जीवन देता है, सदा ही शुभ विचार, पवित्र विचार, मीठी आवाज, मीठे शब्दों से सुख दूंगी, ये संकल्प करें।
और आकाश तत्व की तरह अपने भी दिल को विशाल रखूंगी। छोटी छोटी बातों में नहीं, लेकिन विशाल दृष्टिकोण से हर बात को समझूंगी। वायु तत्व को देखें, जिस प्राण वायु के बिना मेरा एक पल भी जीवित रहना मुश्किल है। हॉस्पिटल में एडमिट होने पर आज लाखों रुपयों का ऑक्सीजन लोग खरीद रहे हैं, लेकिन मेरी प्रकृति मां ने मेरे लिए बिल्कुल मुफ्त में सभी वायु उपलब्ध कराए हैं। कितना न थैंक्स करूं मैं जो इन वायुओं ने मेरे जीवन को संभाला है। इन सभी तत्वों को थैंक्स देने के बाद अब मैं ये देखती हूं कि वर्तमान जीवन में समय में इन तत्वों में भी काफी तमो प्रधानता हम मनुष्यों ने फैलाई है। बहुत पॉल्यूशन हमने फैलाया है। बहुत अपवित्र विचारों को भी प्रकृति में फैलाया है। जमीन में भी अनेक केमिकल्स को अपनी लालच के कारण, लोभ के कारण फर्टिलाइजर्स के रूप में या कई सुख सुविधा के साधनों के रूप में, पेट्रोल डीजल के धुएं के रूप में मैंने ही फैलाया है। तो प्रकृति भी कहां कहां दूषित हो गई है। इसलिए अब ये प्रकृति कोई ना कोई बीमारी के रूप में संसार में विष फैला रही है। तो प्रकृति के भी मालिक परमात्मा की ओर मैं चलती हूं। परमात्मा की शक्ति को प्राप्त कर मैं स्वयं को भी और इस प्रकृति के सभी तत्वों को भी मैं सुधार करने जा रही हूं। ये बहुत पवित्र कार्य है। संसार की परम सत्ता ईश्वर
इसने प्रकृति को भी रचा है, मुझे भी रचा है, मुझ आत्मा के वो परम पिता है, चलेंगे अपने परम पिता के पास, अभी मैं इस शरीर में पृथ्वी के गोले पर मस्तक के बीच ज्योति रूप में विराजमान हूं। कुछ देर के लिए इस शरीर को जो बिल्कुल रिलैक्स हो गया है यहां ही छोड़कर मैं आसमान से भी पार बसने वाले मेरे पिता से अपनी बुद्धि को जोड़ती हूं। वंडरफुल जर्नी में चलते हैं, बिल्कुल हल्के होकर आकाश से पार उस परम धाम में ज्योति देश में परमात्मा से मुलाकात करने जा रही हूं। परमात्मा अपने ज्योति रूप में संसार की सभी आत्माओं का स्वागत हर समय करते रहते हैं। जैसे परमात्मा अपनी भुजाएं खोल कर खड़े हैं, उनमें जो शक्ति है वो हम सबको देना चाहते हैं। मैं सूक्ष्म में परमात्मा के समक्ष अपने को अनुभव करती हूँ। दृष्टि का उनके समीप आने का अनुभव करती हूँ। बहुत ही गहरी शांति प्रेम का अनुभव हो रहा है। पावरफुल दृष्टि परमात्मा मुझ पर डाल रहे हैं। एक किरण जो परमात्मा से निकल रही है इतना समीप हूँ कि अब वो मुझ पर आ रही। रिसीव करें मन से बात करें
परम पिता, आपने मुझे इतनी सुंदर जिंदगी दी है, सोचने के लिए मन दिया है, और आपके ही गुणों का शांति प्रेम आनंद का वर्षा मुझे दिया है, विरासत दी है, जीवन की हर चैलेंज में आपकी याद, आपके प्रति मेरा फेथ, आपकी शक्ति मुझे सफल बनाती है, परमात्मा को भी मैं बहुत बहुत प्यार करती हूं। थैंक्स करें जो अब तक भी उन्होंने मुझे जिंदा रहने की ताकत दी है, अभी भी वो अपनी शक्ति मुझ पर बरसा रहे हैं, उनकी पवित्रता की किरण मेरे अंदर प्रवेश हो रही है, और मैं आत्मा भरपूर हो रही हूं। एक वायदा कर ले परमात्मा से, आपकी शक्ति को प्राप्त कर मैं अपने आप को और प्रकृति को शक्ति प्रदान करूंगी, परिवर्तन करूंगी, और आपके जैसा ही मुझे बनना है, जैसे आप दाता हो मुझे भी सबको देना है। आप उपकारी हो मुझे भी सबके ऊपर उपकार करना है। परमात्मा हमारे सभी संकल्पों के लिए, हर प्रोजेक्ट के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। वो शक्ति मेरे अंतर मन में उतर रही है, भरपूर हो रही हूं मैं, और इस शक्ति को लेकर मैं वापस धीरे धीरे अपने इस बॉडी में, मस्तक के बीच अपने को अनुभव करूं, मैं शक्तिशाली वाइब्रेशंस पाकर परमात्मा की दृष्टि को पाकर
परमात्मा की पवित्रता और शक्ति को पाकर अब भरपूर होकर आई हूं। अपने मस्तक में उस शक्ति को अनुभव कर रही हूं जो मेरे ब्रेन में पहुंच रही है। ब्रेन को आत्मा की शक्तियां प्राप्त हो रही है। एक एक सेल्स में लाइट और माइट आ रही है। अनुभव करें, मेरे ब्रेन के सेल्स चार्ज हो रहे हैं, शक्तिशाली बन रहे हैं। इसी ब्रेन से जुड़ा है मेरे शरीर का एक एक ऑर्गन, और अब इस एक एक ऑर्गन की तरफ ब्रेन से वो शक्ति जा रही है, रिसीव कर रहा है मेरा एक एक ऑर्गन मोर पावरफुल अनुभव करें। मेरे समग्र शरीर में यह शक्ति फैल रही है और अब मेरा एक एक ऑर्गन क्लींजिंग को प्राप्त कर रहा है, शक्ति को प्राप्त कर रहा है, पवित्र होता जा रहा है। समग्र शरीर को लाइट के शरीर के रूप में मैं अनुभव करती हूं। और शरीर के एक एक रुए रुए से, एक एक छिद्र से अब ये शक्ति वाइब्रेशन के रूप में निकलकर मेरे आस पास फैल रही है। मेरे सारे रूम को शक्ति की किरणें पावरफुल बना रही है। आप जहां भी बैठे हैं वहां आस पास का स्पेस प्योर वाइब्रेशन से चेंज हो रहा है। आपकी दृष्टि जिस पर भी आप डालेंगे उस तक भी आपकी पवित्रता, हीलिंग पावर पहुंचती जाएगी। कोई पेशेंट है, आपका खुद का ऑर्गन है, आप उसमें परिवर्तन अनुभव करेंगे। कोई दूर बैठा है, उसे भी मन से याद कर यह शक्ति पहुंचाते रहे। मैं दाता हूं,
मेरा एक ही संकल्प है कि सभी खुश रहे, सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ रहे, मैं दाता बनकर चारों ओर ये वाइब्रेशन फैला रही हूं। मेरा अपना शरीर जो मेरा साधन है वो भी आज बहुत खुश है। रिचार्ज हो गई है मेरी बॉडी, उसके अंदर के सूक्ष्म नेगेटिव जर्म्स कीटाणु समाप्त हो रहे हैं। जैसे लाइट के आते ही अंधकार दूर हो जाता है, अनुभव करें। मेरे अंदर से सभी बीमारियों की जड़ समाप्त हो रही है। प्रकृति ने मुझे जो शरीर दिया है, मैं प्रकृति की अब सेवा कर रही हूं। शरीर ने मेरी बहुत सेवा की है, अब मैं आत्मा शरीर को सकाश दे रही हूं। ये अनुभूति कितनी न्यारी है, मेरी अपनी दुनिया को मैं रोशन कर रही हूं। अपने आप से वायदा करें, इस शरीर में मैं आत्मा सदा पवित्र विचार ही करूंगी, सभी को सुख देने की ही भावना रखूंगी, क्योंकि मैं जो देती हूं वही लौट कर मेरे पास आता है। सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे शुभचिंतक हैं, सभी बहुत अच्छे हैं, मुझे किसी से कोई कंप्लेन नहीं। परमात्मा की तरह मैं सबसे प्यार करती हूं, सबको एक्सेप्ट करती हूं। और ये प्रैक्टिस रोज मुझे करनी है, अगर मैं इस शक्ति को सही यूज करती हूं तो परमात्मा भी मुझे रोज ये शक्ति देते हैं। उन्हें भी देने में खुशी होती है,
क्योंकि मैं बेस्ट यूज करती हूं। तो ये वायदा रहेगा कि हम डेली अपने आप को भी और अपने आसपास के वातावरण को भी पॉजिटिविटी और पावर जरूर देंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू गीता दीदी। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे दीदी ने बताया कि आप इसे बार बार प्रयोग करें और रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएंगी। तो गीता दीदी, आप कैसे सजेस्ट करते हैं कि अगर किसी को शरीर की व्याधि होती है तो ये प्रयोग के लिए कौन सा टाइम अच्छा है, कितनी बार करना चाहिए, कैसे फायदा होता है? जैसे मैंने अपने जीवन में किया है तो मैं अनुभव से ये कहूंगी कि अर्ली मॉर्निंग, जो जैसे कि हम सभी ब्रह्मा कुमारीज में मेडिटेशन के लिए उठते हैं, तो वो बेस्ट टाइम तो वही है। और सिमिलरली 5 बजे से पहले मॉर्निंग का टाइम और सिमिलरली इवनिंग का टाइम सूर्यास्त के समय, यहां हम 6:30 to 7:30 कंपल्सरी करते हैं। तो जैसे आप कर सके तो ये दो टाइम तो जरूर करें। और देखिए, अगर हम कोई इलनेस को फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो उस वक्त हमारे पास टाइम ही होता है। अगर हम रेस्ट पे हैं, छुट्टी पर है और रिकवर करना है हमें, तो अगर हम उस समय छुट्टी पर है, रेस्ट में है, तो हमें ये प्रयोग 5 बार तो करना चाहिए। बीच बीच में हम फ्री होके फिर से ऐसा प्रैक्टिस करें। इसमें हम भगवान से कुछ मांगते नहीं है, लेकिन भगवान से अगर आप रिश्ता जोड़ेंगे, रोज एक बार भगवान की मुरली सुनते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं, तो आपका जो भगवान से रिश्ता है, परमात्मा से, उसके कारण आप भगवान से याद में मांगते नहीं है, लेकिन आपके बताते ही आपको ऑटोमेटिक अधिकार से ये पावर्स मिलती है। आपका अधिकार है, इसलिए दिन में 5 बार भी करे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम 2 बार जरूर करें। और 3 से 4 हफ्ते तक एक ही संकल्प में करें कि मुझे प्रकृति को शक्ति देनी है, मैं शक्तिशाली हूं, मैं पवित्र हूं और मैं देने वाला दाता हूं। ऐसी पावरफुल थॉट अपने अंदर धारण करें सवेरे से। और प्लीज बीच में कभी भी कोई नेगेटिव संकल्प को न आने दे। कभी कभी हम बहुत अच्छी चीजें सीखते हैं, करना शुरू करते हैं, पर मन में ऐसे आ जाता है, होता थोड़ी है, होगा क्या, भगवान मदद करेंगे क्या, मैं तो भगवान के लिए कुछ इतना करती नहीं हूं, वो कैसे मेरी हेल्प करेंगे। ऐसा कुछ भी नेगेटिव बीच में ना आने दे। भगवान की ऑफर है, आपको वैशाली बहन ने निमंत्रण नहीं दिया है, ये भी भगवान ने ही आपको ऑफर दिया है कि आप आइए, आप ज्वाइन कीजिए, आप सीखिए और आप शक्तिशाली बनिए।
ये टाइम है जब भगवान सृष्टि का परिवर्तन करने, सृष्टि की जो अच्छी आत्माएं हैं उनको मदद करने, उनको कुछ अच्छा बनाने, खुद देने चाहते हैं। आपको तो बस लेना है, सोचना नहीं है, रिसीव करना है। ये ध्यान रहे। दीदी आप कईयों को कईयों के मुझे टेक्स्ट आए हैं और आपको भी दिखाई दे रहे होंगे कि सबको आपका मेडिटेशन का अनुभव बहुत अच्छा लगा। तो एक बहन का क्वेश्चन है कि क्या प्रकृति के कोई जो 5 तत्व है उनका कनेक्शन विकार 5 विकारों के साथ है? कनेक्शन तो है, और विकारों के अधीन हम होते ही तब है जो पहले हम प्रकृति के तत्वों की आकर्षण में आ जाते हैं। देखिए प्रकृति के तत्व, 5 तत्व हमारी मदद करते हैं, परंतु हम उसके आदत में आ जाते हैं और लगाव में आ जाते हैं तब हम विकार के वश होते हैं। तो इसलिए भोजन की भी हमें जरूरत है, भोजन की, परंतु भोजन के भी किसी भी टाइप की स्वाद के अधीन नहीं होना चाहिए। भोजन लेना है परंतु उसकी आकर्षण से नहीं लेना है। जिसको कहते हैं ना कि जीने के लिए खाना है, लेकिन कुछ लोग खाने के लिए जीते ऐसा लगता है। हर समय केवल यही होता है कि क्या खाएं क्या खाएं क्या बनाएं और नया क्या करें ट्राई और नया क्या टेस्ट करें और नया क्या टेस्ट करें, ये होता है आकर्षण। तो आकर्षण में नहीं खाना है, लेकिन जरूरत है खाना है। खाते समय भी आप 2 मिनट उस भोजन को भी परमात्मा की याद से दृष्टि दें, फिर खाएं। तो भोजन में आपको पृथ्वी का भी अंश है, अग्नि का भी अंश है, जल का भी अंश है। तीनों चीजें आपको भोजन से आपके अंदर जाती है। तो आप भोजन को बहुत न्यारी प्यारी स्थिति से स्वीकार करें, परमात्मा का प्रसाद समझकर स्वीकार करें। देखिए कभी कभी आपने भक्ति मार्ग में भी देखा होगा कि प्रसाद की कोई चीज घर में बनती है, भले वो हम ही बनाते हैं लेकिन भगवान के सामने रखते हैं, प्रसाद के रूप में लेते हैं, वो बड़ा अच्छा अलग स्वाद होता है, बड़ा जैसे ताकत मिलती है। और वही चीज अपनी इच्छा से बनाते, अपने बच्चों के लिए बनाते, अपनी इच्छा से खुद के लिए बनाते हैं और खाते हैं, तो उस दिन भी चीज वही है, बनाने वाला भी वही है, लेकिन टेस्ट में फर्क पड़ता है। तो वाइब्रेशन आपने कौन सा डाला? एक तो इच्छा वाला डाला, मुझे खाना है, मुझे अच्छा लगता है ऐसा। एक आपने परमात्मा को याद करके किया। तो एक तो ये है कि आप तत्वों की आकर्षण में ना आए। जैसे हवा है ना, अब गैस है, खुशबू है, ये सब हवा के थ्रू हमको मिलती है। तो हमें पर्टिकुलर खुशबू की भी एक आदत होती है, मुझे इसी फ्लेवर का परफ्यूम चाहिए, मुझे खाना बनता है तो ऐसी खुशबू चाहिए, मेरे रूम के अंदर रूम फ्रेशनर ऐसा ही चाहिए। तो ये हो गया, हम उसके लगाव में आ गए। फिर धीरे धीरे हम अधीन हो जाते हैं। अधीन नहीं होना है, हर चीज को एक्सेप्ट करना है। शरीर को स्वच्छ करने के लिए हम स्नान करते हैं, लेकिन कई बार हम स्वच्छ होने से ज्यादा ब्यूटी की ओर आकर्षित होके काम कर रहे होते हैं, बॉडी को क्लीन नहीं करना चाहते इतना, तो हम ज्यादा उसको अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। एक्चुअली अट्रैक्शन आपकी थॉट्स से आपकी बॉडी में आएगा, आपको अलग से अट्रैक्शन के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। दुनिया के जितने मोस्ट पावरफुल लोग हैं उन्होंने बॉडी के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने थॉट्स को सुंदर बनाया तो उनकी बॉडी की भी आज पूजा होती है, उनके चित्रों के सामने लोग नतमस्तक होते हैं। ऑटोमेटिक आपका चेहरा भी ग्लो करेगा, आपकी ब्यूटी, आपका फिगर, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वही ध्यान है
कि मैं अपने फेस के लिए ये करूं, फिगर के लिए ये करूं, उसके लिए ये करूं, तो आप उसके अधीन हो जाते हैं। तो ये कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे तो विकार उत्पन्न नहीं होंगे। नहीं तो पांच तत्वों से ही हमारे जीवन में कामनाएं, फिर अगर कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध, फिर लालच में खाना माना ये लगाओ, है ना। तो ये सब पांच तत्वों से ही पांच विकारों को हम आकर्षित करते हैं, अगर हम लगाव में लेते हैं या अधीन होकर लेते हैं। तो आत्मा पर फोकस रहे, और आत्मा को शरीर मिला है, एक साधन को संभालना है, ये थॉट रखे। दीदी, कई लोग कहते हैं कि हम अपने परिवार वालों को भी हेल्प करना चाहते हैं, जब परिवार वाले काफी बीमार होते हैं या उनको शारीरिक या पीड़ाएं ज्यादा होती हैं, तो क्या ये योग के प्रयोग से उन्हें फायदा हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। सबसे पहले तो जब आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी केयर करते हैं, तो आपको उनको आपकी जो थॉट्स है, आपकी जो भावनाएं हैं, आपने जो स्पिरिचुअलिटी का कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो वो भी उनको जरूर सिखाना चाहिए। प्लस फिर जब आप उनको मदद करना चाहते हैं, तो आप उनके पास बैठ सकते हैं तो पास बैठे, कैमरा पे उनको सामने लाएं तो कैमरा पे लाएं सामने, और उनको आपकी पवित्र दृष्टि दें। पहले आप खुद को परमात्मा से कनेक्ट करें, जैसे अभी आपने किया, और अपनी पवित्र दृष्टि दे। लेकिन ध्यान ये रखें कि उस वक्त भी केवल वो जो रिलेशन है वो याद नहीं रखना है, लेकिन जैसे परमात्मा दाता है, तो आप वेल विशर बन के उनको कुछ दाता बन के दे रहे हैं। नहीं तो कभी कभी उसमें भी मोह होता है, मेरा बेटा है जल्दी ठीक हो जाए। नहीं, वो ईश्वर की सभी रचना है, सभी के लिए हमारा वही भाव है। तो मोह से, लगाव से नहीं, लेकिन न्यारा होकर के आप उनको दृष्टि देंगे। फिर आप उनके लिए फूड अगर प्रिपेयर करते हैं, तो उस वक्त भी आप बहुत प्यार से भोजन बनाएं परमात्मा की याद में, वो भोजन उनको प्यार से खिलाइए। पानी भी आप उनको देते हैं, तो ये पानी को भी दृष्टि देकर एक प्रकार से हम उसको चार्ज कर देते हैं। फिर उसको ऐसे दे जैसे वो पानी नहीं, उसको टॉनिक का काम करेगा। इस तरह से आप अपने कोई भी संबंधी को, घर के लोगों को जरूर हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आप जब चार्ज हो जाते हैं तो आपके कनेक्शन में आने वाला, चाहे वो थॉट से कनेक्शन में आया, टॉक से कनेक्शन में आया, उसको कुछ ना कुछ तो फायदा आप जरूर देते हैं और दे सकते हैं, देना भी चाहिए। ये बहुत बड़ी सेवा है आज के टाइम में। बहन कहते हैं, कई कई पूछते हैं कि अगर रोज रोज एक ही प्रकार के ये संकल्प करे तो वो रूटीन में फिर मोटिवेशन रह पाता है, कि हम वही वही सोचते हैं तो फिर एक मैकेनिकल ना हो जाए और वो उसके अंदर कुछ नया भी डाल सकते हैं, करेक्ट? वी कैन बी क्रिएटिव। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हम सिर्फ इन शब्दों को आप सुनेंगे और रटेंगे तो एक मंत्र की तरह हो जाएगा, और मंत्र में मन कभी नहीं लगता। मंत्र जाप की आदत पड़ जाती है तो शब्द खाली रिपीट होते हैं, मन दूसरी जगह भाग जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि डेली परमात्मा के महावाक्य, जैसे कि मैं अनुभव करती हूँ, मैं रोज की मुरली परमात्मा की जो सुनती हूँ, आप में से भी बहुत सारे भाई बहने रोज सुनते हैं, शायद कोई नए भी है, तो वो जो हम मुरली परमात्मा के वर्षन सुनते हैं तो डेली उसमें एक ब्लेसिंग होता है। मुरली के अंदर भी बहुत अच्छे थॉट्स होते हैं जो मेरे लिए पर्सनल होते हैं। बाबा कभी कहते हैं तुम्हें बहुत खुश रहना है, कभी बाबा कहते हैं तुम्हें सबको सुख देना है, तुम इस सृष्टि की बहुत पुरानी सोल्स हो तो तुम्हें नई जितनी भी सोल्स है उनके लिए गाइड करने वाला बनना है। तो इतने अच्छे थॉट्स मिलते हैं, तो आप डेली उस थॉट को फिर मेडिटेशन के टाइम यूज कर सकते हैं।
रोज नयापन ही जरूरी है। तो इसलिए यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें रोज न्यू मुरली के वर्शंस मिलते हैं। और अगर आप ये सुनना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका चिंतन ऑटोमेटिक आपको रहेगा और आप मेडिटेशन में उस थॉट को यूज करेंगे। कम से कम रोज का वरदान तो आप जरूर याद करें बार बार। डेली मुरली के बाद में जो वरदान होता है, ये आप सारा दिन के लिए अपने थॉट में एक प्रकार से धारण कर ले, तो वो आपका नवीनता भी आ जाएगी योग में। विधि तो यही होगी, लेकिन आप थॉट्स रोज नया नया डालें।